इधर जानता है। तो शादीशुदा औरत अगर जिना करे तो ये इतना बदबूदार जुर्म है कि कुरान कहता है कि अगर ये साबित हो जाए गवाहों से और इकरार से एक मखसूस तरीके से तो इनको जमीन में गाड़ के पत्थरों से हलाक कर दो। इसलिए भाई अगर किसी औरत से भी ये जुर्म हुआ है या मर्द से तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, हल्का नहीं है। अब इस्लामी हुकूमत नहीं है लिहाजा अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है अगर जुर्म के ऊपर तो अब सजा तो जारी नहीं होगी रजम वाली, और वो अपने ऊपर खुद से जाके जारी करवाना भी कोई शरीयत में अच्छा काम नहीं है। अब यह है कि छुप के गिड़गिड़ा के अल्लाह से बहुत ज्यादा तौबा करे, अल्लाह गफूर रहीम है, बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। और आइंदा के लिए वला तकरबु जिना, कुरान कहता है ऐसे काम भी मत करो कि जिना की तरफ तुम्हारी रगबत हो। इस खातून को चाहिए कि खूब गिड़गिड़ाए अल्लाह से और कुछ सदका खैरात भी करे।